गाइस वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम बात करने वाले हैं डेंजरस रूमर्स द सीरीज के एपिसोड 6 के स्पॉइलर के बारे में। तो पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था जब कांग पिम्फा के लगाए हुए लॉक पे अपना लॉक लगाने जाता है, तभी वो देखता है पिम्फा साइलोम के लॉक पे अपना लॉक लगा रही है, जिसको देखकर कांग हैरान हो जाता है क्योंकि पिछले एपिसोड के हिसाब से कांग पिम्फा को पसंद करता है। तो शायद इस एपिसोड में पिम्फा कांग को ये बता देगी कि वो साइलोम को पसंद करती है बहुत पहले से, जिसके बाद कांग के फीलिंग्स के बारे में यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती क्योंकि वो अभी क्लियर नहीं है। पर हाँ, ट्रेलर में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर कांग साइलोम के दरवाजे पर नॉक करके उससे पूछता है कि क्या उसके पास कुछ मिनट्स है बात करने के लिए। पर मेरे ख्याल से साइलोम कांग से बात करने नहीं आएगा क्योंकि वो समझ चुका था कि कांग पिम्फा को पसंद करता है, उसे नहीं। और ये बात साइलोम के दिल तोड़ने के लिए काफ़ी था क्योंकि वो कांग को पसंद जो करता है। पर ट्रेलर के हिसाब से शायद कांग साइलोम का अपने घर पर ना देख कर अपनी दादी से साइलोम के बारे में पूछता है, तो कांग की दादी उससे कहती है कि उन्होंने साइलोम को रेस्ट करने के लिए घर भेज दिया। फिर कांग की मुलाकात साइलोम से स्कूल में होता है, पर वहाँ पर साइलोम कांग को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करता है, इसकी वजह कांग बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। पर कांग को उसकी तरफ साइलोम का ये इग्नोरेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसे इस बात का इतना बुरा क्यों लग रहा था ये भी वो समझ नहीं पा रहा था। इधर जब साइलोम और कांग लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ से उठकर जाते वक्त साइलोम को चक्कर आ जाता है और वो लगभग गिर जाता है, तो सभी जल्दी से आकर उसको पकड़ लेते हैं। साइलोम की ऐसी हालत देखकर कांग को उसके लिए फिक्र होता है, पर साइलोम उसके लिए कांग की इस परवाह को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है ये कहकर कि वो ठीक है। पर वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इस बात का पता हमें चलता है ट्रेलर में दिखाए गए एक सीन से जहाँ पर साइफा अपने भाई साइलोम को घर पर खाना खाते हुए देखकर उससे पूछता है कि वो यहाँ पर वापस आकर ये डम फूड क्यों खा रहा है, क्या कांग के साथ उसका झगड़ा हो गया है। तो शायद साइलोम यहाँ पर अपने भाई से ये कहता है कि वो कांग के घर पर वापस नहीं जाएगा, जिसके बाद हम देखते हैं साइलोम को बहुत ही तेज़ बुखार आया है और इसी की वजह से साइलोम स्कूल भी नहीं जाता है। तो शायद कांग को स्कूल से पता चलता है कि साइलोम को बहुत ही तेज़ बुखार है, इसलिए उसने छुट्टी लिया हुआ है। तो कांग को साइलोम की फिक्र होने लगता है, इसलिए वो साइलोम से मिलने उसके घर पर जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है साइलोम बुखार की वजह से बेहोश हो चुका है। तो कांग साइलोम को स्पॉन्ज बाथ देता है, उसका ख्याल रखता है, यहाँ तक कि साइलोम का असाइनमेंट भी कंप्लीट करके देता है, जिससे साइलोम बहुत ही हैरान हो जाता है, जिस वजह से वो कांग से उसके लिए ये सब करने की वजह पूछता है क्योंकि साइलोम बहुत ही अच्छे से जानता है कि कांग किसी के लिए कुछ भी बिना वजह नहीं करता। पर मुझे नहीं पता कि साइलोम के क्वेश्चन का जवाब कांग ने क्या दिया होगा, बट ट्रेलर के हिसाब से कांग साइलोम को किस करता है इस क्वेश्चन के आंसर के तौर पर। तो क्या ये किस प्यार वाला है या गुस्से वाला, और क्या साइलोम को किया गया कांग का ये किस उनका पहला ऑफिशियल किस है, जानने के लिए अगला एपिसोड देखना मत भूलना। ओके गाइस, आज के स्पॉइलर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ओनली फ्रेंड्स द सीरीज के स्पॉइलर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।